जयपुर के अम्बेडकर भवन में समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा की अध्यक्षता में समाज कल्याण बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बोर्ड की सदस्य रुक्मणी कुमारी सहित अन्य सदस्य और अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं और उनके क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। इस दौरान बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने समाज कल्याण बोर्ड को भंग कर दिया था, लेकिन राजस्थान सरकार ने राजस्थान स्तर पर राज्य समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का समाज के सभी तबकों को लाभ दिलाना है। इन सबको पुनर्जीवित करें और उनका संचालन करें, इसके लिए सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमने कई नवाचार शुरू करने का मानस बनाया और मैं मानकर के चलती हूँ समाज के हर तबके को, चाहे वो महिला हो, बच्चा हो, समाज के बुजुर्ग हो, उन लोगों को जैसी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से हम सेंटर्स का संचालन करें, रिहैबिलिटेशन का प्रयास करें, प्रोस्टिट्यूशन में जो लिप्त होती हैं बच्चियाँ उनको ला करके और उनको रोजगार से जोड़ने के साथ साथ उनका रिहैबिलिटेशन करें। ऐसी कुछ योजनाओं के बारे में विचार करें और हमारे जो समाज कल्याण बोर्ड है जिसको हमने पुनर्गठित किया राजस्थान सरकार ने, उसकी कार्यविधि क्या होगी उसके बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में सरकार के समक्ष अनुरोध करेंगे। तो बस जो कार्य योजना उसको लेकर के और जो हमारी नवीन योजना उसके बारे में हम सब सदस्यों ने मिलकर के विचार विमर्श कर, मैं मानती हूँ कि सरकार के स्तर पर संपूर्ण सहयोग हमें मिलेगा, ताकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो एक कह सकते आकांक्षा रही है कि समाज का हर तबका लाभान्वित होना चाहिए, और जैसा आप जानते हैं केंद्र ने समाज कल्याण बोर्ड को भंग कर दिया, ऐसे में राजस्थान राज्य में ही एकमात्र राज्य जहाँ समाज कल्याण बोर्ड वहाँ संचालित है। तो मैं मानकर के चलती हूँ कि हम लोग भी यही चाहेंगे कि समाज कल्याण की बोर्ड के माध्यम से वो सब योजनाएं पुनर्जीवित हों जिसे पूर्व में समाज कल्याण बोर्ड आयोजित करता रहा, और इसके अलावा भी नवीन योजनाओं को लेकर महिला अधिकारिता, बाल अधिकारिता, समाज अधिकारिता के सहयोग से हम करना चाहते हैं।